वर्टिकल टर्निंग लेथ यानी VTL मशीन की सहायता से ऑपरेटर द्वारा व्हील डिस्क को बोर किया जाता है। सर्वप्रथम ऑपरेटर द्वारा जीप क्रेन की सहायता से डिस्क को लिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डिस्क के बॉटम को साफ किया जाता है। व्हील डिस्क को मशीन के जॉ में लोड कर दिया जाता है। NC प्रोग्रामिंग के द्वारा व्हील डिस्क को जॉ में फिक्स करके रन कराया जाता है। ऑपरेटर के द्वारा VTL मशीन के गेट को क्लोज कर दिया जाता है ताकि बोरिंग मेटल चिप्स बाहर आकर किसी के लिए भी दुर्घटना का कारण ना बने। बोरिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद ऑपरेटर द्वारा इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा बोर्ड डायमीटर चेक किया जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर जिसका LC यानी लिस्ट काउंट 0.01 mm है, बोरिंग डाया चेक करने के लिए यूज किया जाता है। बोरिंग कंप्लीट होने के बाद व्हील डिस्क पर पेंट से बोर साइज एवं सीरियल नंबर लिखा जाता है। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जीप क्रेन की सहायता से व्हील डिस्क को अनलोड करके अगले प्रोसेस यानी व्हील प्रेस ऑन के लिए भेजा जाता है।